मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये चिंता की नहीं, खुशी की बात है। लेकिन क्या समाज एक दिन भी हाई औरत के बच्चे को कबूल कर लेगा? आज से हम दोनों पति पत्नी, भगवान साक्षी है। ये सब झूठ, उसके मन में खोट था और इसलिए उसने शादी से पहले तुम्हें मां बना दिया। कम बात दो दिन का वादा करके गया और आज तक शक्ल नहीं दिखाई। दे दो ये बच्चा मुझे। नहीं भैया, एक औलाद उसकी माँ से जुदा मत करो। क्या आप जानते नहीं, ये मेरा पहला और आखिरी बच्चा है। मैं जानता हूँ कि डॉक्टर के कहने के मुताबिक ये तुम्हारा पहला और आखिरी बच्चा है, लेकिन ये पाप है, पाप। नहीं। अगर ये रहा तो मुझे भी इसके साथ रुसवा होना पड़ेगा। दे दो ये बच्चा मुझे। मैं कहता हूँ दे दो ये बच्चा मुझे। भैया नहीं, मैं भी पैदा दिया। मैंने जो कहा था वो याद है ना? इसे लेकर इतनी दूर चली जाओ कि तुम्हारा ख्याल भी हम तक न पहुंच सके। और ये लो, ये तुम्हारे काम आएंगे। दुनिया में आज तक किसी माँ ने अपने दूध की कीमत वसूल नहीं की। मेरी भी औलाद थी जो पैदा होते ही परलोक सिधार गई, लेकिन अब भगवान ने मुझे औलाद दे दी। भगवान ने मुझे औलाद दे दी। पार्वती, पार्वती मैं आ गया हूँ। ये क्या किया मैंने? कितना अच्छा होता अगर हमारा बेटा यहाँ होता तो कुकू की शादी उससे कर देते, लेकिन न जाने वो बेचारा कहाँ होगा। चंदू। हाँ माँ जी। तूने वो खत मेरी बेटी के हाथ में दिया था ना? हाँ माँ जी, मैंने अपने हाथों से वो खत उसके हाथ में दिया था। फिर अभी तक गोपी क्यों नहीं आया? गोपी, बेटा। माँ, तू यहाँ? हाँ बेटा, वो अजीत के आदमी बस्ती को आग लगा रहे हैं। कमीने कुत्ते। गए साले। वे लोग तो भाग गए, लेकिन हम लोग भाग कर कहां जाएंगे? आज नहीं तो कल वे हमें बस्ती से बाहर निकाल कर ही दम लेंगे। अब ऐसा नहीं होगा। इस बैग में बस्ती के किराए के साथ साथ जमीन की कीमत भी मौजूद है। आज के बाद कोई माई का लाल तुम्हें इस बस्ती से निकाल नहीं सकता। हाँ चल। मेरे गोपी की, मेरे गोपी की। बेटा एक बात पूछूं, इतना पैसा तू कहां से लाया? ये मत पूछ मां, क्योंकि सच मैं बता नहीं सकता और झूठ मैं बोलना नहीं चाहता। इंस्पेक्टर, चैंपियन हवा वाला केस के सिलसिले में हम कहां तक पहुंचे? सर, चैंपियन के घरवाले हॉलिडे मनाने के लिए कश्मीर गए हुए थे, कल ही वापस लौटे। इंक्वायरी करने पे पता चला कि उसके हाथ में एक कीमती घड़ी भी थी, तकरीबन 10,000 रुपए की, जो लाश के हाथों से गायब है। 10,000 रुपए की? जी हाँ। इंस्पेक्टर, क्या ये मुमकिन नहीं किसी ने चैंपियन हवाला का मर्डर करके उसकी घड़ी उतार ली हो और उसकी लाश को मोटरसाइकिल समेत किसी खाई में फेंक दिया हो? इट इज पॉसिबल सर। मेरे ख्याल से हमें ऐसे लोगों का पता लगाना चाहिए जो उसे बहुत करीब से जानते हो, आई मीन उसके कुछ खास दोस्त। ओके सर। बचाओ,
बेटे माँ जी माफी चाहता हूँ मैं नहीं बेटे दरअसल मेरी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था जानता हूँ तभी तो मैंने अपना ट्रक आपकी कार के आगे लगा दिया वरना आपकी कार इस खाई में होती अगर तुम नहीं होते ना 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 ना। आप ये मत कहिए कि मैंने आप पे कोई एहसान किया है गोपी बेटे गोपी बेटे बच्चे बेटे अरे तुझे कुछ हुआ तो नहीं अरे कैसे हो सकता है देखो तुम्हारे सामने हट्टा कट्टा खड़ा हूं अरे ये क्या तेरे माथे से खून निकल रहा है अरे नहीं भाई ये तो मामूली बात है अरे माथे से खून निकल रहा है और तू कह रहा है मामूली बात है अरे पर ये सब हुआ कैसे ये मां दरअसल ऐसे हुआ कि इनकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था गाड़ी का अमीरों की गाड़ी में ब्रेक ही कहाँ होते हैं बेटा पैसे वाले तो चलना जानते हैं वो भी सर उठाकर और चलते समय रास्ते में उनकी अपनी औलाद भी आ जाए तो वो परवाह नहीं करते इनका काम तो चलना है बस नहीं बहन ये एक हादसा था और हादसे जानबूझकर नहीं होते सेठानी जी जिस माँ ने अपने बच्चे के पैर में कांटा तक चुभने न दिया हो वो अपने बेटे के माथे पर जख्म देखकर कैसे चुप रह सकती लगता है तुम्हारी कोई औलाद नहीं वरना इसके माथे का खून तुम्हारी आंखों से आंसू बनकर टपकता अरे माँ ये क्या कह रही है मुझे तो इस बात की खुशी है कि इनके कहीं चोट नहीं आई पर तू तो जानती है माँ इन जख्मों का तो मैं बचपन से आदी हूँ ये दर्द तो मैंने जन्म से पाया है खैर आइए माँ जी मैं आपको घर छोड़ाऊं नहीं बेटे मैं काफी शर्मिंदा हूँ अब और मुझे शर्मिंदा मत करो नहीं बहन ये तुम्हें शर्मिंदा नहीं कर रहा है कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो दूसरों का दुख उठाकर सुख पाते हैं जा बेटा इन्हें छोड़ा आइए आओ बेटे अंदर आओ अच्छा माँ जी मैं चलूं तुमने मेरे लिए बहुत तकलीफ उठाई बेटे अगर आपने मेरा शुक्रिया अदा किया तो मुझे दुख होगा अगर तुमने इसे कबूल नहीं किया तो मुझे बहुत दुख होगा माँ जी अगर आप सचमुच सुख पाना चाहती हैं तो मुझे एक गिलास पानी पिला दीजिए तुमने मुझे माँ कहा बेटे माँ अपने बच्चे को पानी नहीं दूध पिलाती है तुम बैठो मैं भी आती हूँ आओ जी बैठो हाय ब्लैकमेलर लगता है पैसे खत्म हो गए इस बार कितने लेने आए हो 10,000 20,000 50,000 बोलो बोलो शर्मा क्यों गए मिस्टर फ्रॉड मैंने अपने इन हाथों से जितनी दौलत उड़ाई है शायद तुमने अपने पैरों से उतनी मिट्टी भी नहीं उड़ाई होगी दौलत के लिए तुमने मोहब्बत जैसी पाक चीज का सौदा किया तुम जिंदगी में कभी सुखी नहीं रहोगे जिंदगी सिर्फ मोहब्बत नहीं कुछ और भी है जुल्फ रुखसार की जन्नत नहीं कुछ और भी है भूख और प्यास की मारी हुई इस दुनिया में इश्क ही एक हकीकत नहीं कुछ और भी है मैं तुमको अच्छी तरह जान गई हूं गोपी तुमने बहुत फरेब दी है मुझको अब और धोखा खाने की मुझ में हिम्मत नहीं चले जाओ यहां से कुकु मुझे को समझाने का मौका नहीं दोगी गोपी प्लीज डोंट टच मी कुकु कुकु क्या कहना चाहते हो बरखुरदार मुझे यकीन था दौलत की हवस तुम्हें मेरे दरवाजे तक जरूर खींच लाएगी सच तो यह है कि किसी का प्यार मुझे यहाँ तक खींच लाया है और वो प्यार है मेरी बेशुमार दौलत सेठ जी मुझे गौर से देखिए क्या मैं आपको बुरा इंसान नजर आता हूँ
क्या मेरे चेहरे से यह जाहिर नहीं होता कि मेरी रगों में एक शरीफ खानदान का खून दौड़ रहा है? तुम्हारा यहाँ ना महज इस बात की दलील है कि तुम एक नीच खानदान से ताल्लुक रखते हो। राय साहब, आप मुझे जो जी में आए कह लीजिए, लेकिन मेरे माँ बाप को गाली देने का आपको कोई हक नहीं। तुम गंदी नाली के नापाक कीड़े मुझे धमकी देते हो। जी में आता तो मैं हवालात में बंद करवा, लेकिन निकल जाओ। I say get out! ठहरो, एक बात और याद रखना, आइंदा मेरी बेटी से मिलने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी खाल खिंचवा दूंगा।